احمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لرب هو شاف لسقيمي والشكر لمن أرحم من كل رحيم. سب تعريف الله پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ استغفر اللہ ذنب وخطية وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي ربي جل وعلا حسبي ربي صلى الله عليه يا رسول صلى الله عليك يا رسول صلى الله وسلم عليك يا بندے فقیر دو جہاں میں آپ کا ہے غلام زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے نام پاک پر میں قربان میرے مولا تیرے نام پاک پر میں قربان میرے مولا تیرے نام پاک پر
मैं कुर्बान मेरे मौला तेरे नाम पाक पर मैं कुर्बान मेरे मौला तेरे नाम पाक पर कुर्बान मेरे मौला करूं तुझ पे मैं तसद्दुक मेरी जान मेरे मौला करूं तुझ पे मैं तसद्दुक मेरी जान मेरे मौला हक शुक्रिये का तेरे क्यों कर अदा हो मुझ से हक शुक्रिया का तेरे क्यों कर अदा हो मुझ से जो जो किया है मुझ पर एहसान मेरे मौला जो जो किया है मुझ पर एहसान मेरे मौला तेरे नाम पाक पर मैं कुर्बान मेरे मौला करूं तुझ पे मैं तसद्दुक मेरी जान दम दम में तेरी बख्शिश है जिस्मो जान दम पर दम दम में तेरी बख्शिश है जिस्मो जान दम पर दम दम में मेरा तो है निगहबान मेरे मौला दम दम में मेरा तो है निगहबान मेरे मौला तेरे नाम पाक पर मैं कुर्बान मेरे मौला करूं तुझे पे मैं तसद्दुक मेरी जान दुनिया में तुझसे बढ़कर है कौन दोस्त मेरा से बढ़ कर है कौन दोस्त में अव्वल से ताबा आखिर हर आन मेरे मौला अव्वल से ताबा आखिर हर आन मेरे मौला तेरे नाम पाक पर मैं कुर्बान मेरे मौला करूं तुझे पे मैं तसद्दुक मेरी जान जो दोस्त हैं गनी के मशकूर हैं तेरे सब जो दोस्त हैं रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हैं तेरे सब ओ इन पे निगह रहमत हर आन मेरे मौला ओ इन पे निगह रहमत हर आन मेरे मौला तेरे नाम पाक पर मैं
कुर्बान मेरे, करूं तुझ पे मैं तसद्दुक मेरी जान मेरे मौला। सुभानल्लाह व बिहम्दिही, सुभानल्लाह अलअज़ीम। हाज़रीन किराम, आज के जुमातुल मुबारक में कुरान मजीद के दूसरे पारे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 219 का कुछ हिस्सा इस फकीर गुनाहगार ने तिलावत किया। आज के जुमा का मौजू है इस्लाम में नशा का हुक्म। इरशाद बारी ताला है, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, तुमसे शराब और जुए का हुक्म पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन, तुम फरमा दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है। व मनाफिउल नासी, और लोगों के कुछ दुनियावी फायदे भी हैं। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़िहिमा, और उनका गुनाह उनके नफा से बड़ा है। ये है आयत शरीफा का हिस्सा जिसकी तिलावत की गई। इसमें दो बातों का जिक्र किया गया। एक खमर, खमर का माना है शराब, अंगूरी शराब उसको कहा जाता है खमर, और मैसिर ये जुआ है, गैम्बलिंग। हर वो जुआ जिसमें दोनों तरफ से हार और जीत होती है वो जुआ कहलाता है। ऐसा खेल जिसमें दोनों तरफ से माल की हार और जीत हो वो जुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि आपसे सवाल करते हैं लोग, और सवाल करने वाले भी सहाबा थे जिस वक्त के शराब हराम नहीं हुई थी। उस वक्त मदीने तैयबा में जब मक्का शरीफ से हिजरत करके सहाबा आए तो देखा कि मदीना में भी शराब जारी है जो पहले से जारी थी। तो उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, यसअलूना का, आपसे सवाल करते हैं। एक बात ये मालूम हुई कि किसी चीज के बारे में पूछना जहां के उलझन हो, कन्फ्यूजन हो, या जहां कुछ दरियाफ्त करना मकसूद हो, कुछ मालूम करना मतलूब हो, तो सवाल करने में हर्ज नहीं है। जबकि नेक नियति से पूछा जाए, यानी सवाल का मकसद ये हो कि हमें मालूम हो जाए किसी चीज का हुक्म, तो दीन इस्लाम इससे मना नहीं फरमाता, बल्कि इसका सबूत कुरान से मिल रहा है और हदीस से भी मिलता है। हदीस करीमा में भी सहाबा किराम ने बहुत से सवालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए मुख्तलिफ बारों में। मुआशरती उमूर, दुनियावी उमूर, दीनी उमूर, क्योंकि इनसे वास्ता पड़ता है। जिंदगी में जब इंसान रहता है दुनिया में, जब तक जिंदा है, तो उसे तो वास्ता पड़ता है मुख्तलिफ बातों से, मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ कामों से। जब तक उन बातों का शरई हुक्म मालूम ना हो तो
नुकसान में रहेगा। हो सकता है कि कोई चीज़ मना हो, उसे ना मालूम हो, वो उसका इस्तेमाल करे तो उसे नुकसान होगा, और चूंकि पूछा भी नहीं तो इसका बवाल होगा कि पूछा क्यों नहीं। अगर एक चीज़ शक को शुबे वाली थी तो उसके बारे में दरियाफ्त करते, पूछना चाहिए था, क्यों ना पूछा। तो कुरान और हदीस से इस बात का प्रूफ मिल रहा है, सबूत मिल रहा है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मुख्तलिफ मामलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे, और उनके सवालात का मकसद ये होता था कि हमें जवाब मालूम हो जाए ताकि हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। यानी कि इससे कितना बड़ा एक हुक्म पता चल रहा है कि दुनिया में रहते हुए शरीयत की ज़िंदगी को गुजारना ये बड़ा ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी तो जानवर भी गुजारते। जानवर की ज़िंदगी में और इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क होना चाहिए, फिर काफिर की ज़िंदगी में और मुसलमान की ज़िंदगी में फ़र्क होना चाहिए। अगर फ़र्क ना हो तो फिर जानवर और इंसान में तमीज़ कैसे होगी। किसी इंसान को अगर जानवर कह दिया जाए तो नाराज़ होगा, क्यों नाराज़ होगा, इसीलिए कि जानवर जानवर है, इंसान इंसान है। तो जब इंसान ये बात समझता है कि जानवर और इंसान में फ़र्क है, और ये भी समझता है कि काफिर और मुस्लिम मोमिन में फ़र्क है, तो फिर उस फ़र्क की वजह भी जानना चाहिए कि फ़र्क क्यों है। फ़र्क जो है वो इसी वजह से है कि मुसलमान और मोमिन पर कुछ अहकाम हैं जो शरीयत की तरफ से लागू किए गए। मर्द हो या औरत, उनको उन अहकाम का पाबंद बनना है, उन अहकाम पर अमल करना है। नहीं करता तो फिर जानवर और इंसान में फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि जानवर मुकल्लफ नहीं होता अहकामात का, वो तो जानवर है, उस पर शरीयत का कलम नहीं चलता। शरीयत का कलम मोमिन पर चलता है, मुसलमान पर चलता है, मर्द हो या औरत। उसे ख्याल रखना है कि मेरी ज़िंदगी शरीयत मुहम्मदी के ताबे है या नहीं। चुनाचे वो सवाल जो दीन के बारे में हो, दुनिया के बारे में हो, आपस के मुआशरती उमूर के बारे में हो, इसमें कोई मज़ायका नहीं, पूछना चाहिए। पूछकर ज़िंदगी को शरीयत के दायरे में लाना चाहिए। तो सहाबा ने सवाल किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया। क्या सवाल किया? ये सलूना का आपसे पूछते हैं, अल्लाह फरमाता है ऐ रसूल, ये सहाबा आपसे मालूम कर रहे हैं अपनी मालूमात के लिए। यस अलूना का अनिल खमरी वल मैसिर, शराब और जुए के बारे में कि ये क्या हुक्म रखता है दीन इस्लाम। कुल, अल्लाह ने फरमाया, आप फरमा दो, आपकी ज़बान मुबारका से जो हुक्म आएगा वो बड़ा अहम होगा, वो हुज्जत होगा, क्योंकि शारे अलैहिस्सलाम यानि पैगंबर इस्लाम में हुज्जत रखता है, अथॉरिटी। कोई ये नहीं कह सकता कि आप कौन हो, आपकी बात क्यों माने, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने लाजिम कर दिया है हर मोमिन मुसलमान पर
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो, यानी दोनों का हुक्म मानो, दोनों का हुक्म इस्लाम और ईमान है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो अल्लाह ने फरमाया कुल, आप फरमा दें, फी हिमा, इन दोनों में, किस में दोनों में, शराब और, तो अल्लाह ने फरमाया कुल, इन दोनों में, इस्मुन कबीरुन, बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा। एक होता है गुनाह सगीरा, छोटा गुनाह, छोटा गुनाह, उसकी सजा या उसका हुक्म भी छोटा होता है। एक होता है बड़ा गुनाह, और फिर गुनाह भी ऐसा जिस पर खुद अल्लाह ने हद बनाई हो, हद मुकर्रर की हो, यानी हद माना सजा। तो शराब पर हद है, शराबी को सजा के लिए कुरान और हदीस में हद बताई गई है कि ये सजा दो उसे, छोड़ो नहीं। तो चूंकि उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, शराब बतदरीज हराम हुई, कसरत से पी जाती थी, अरब में आम थी, अहले अरब धड़ल्ले से पीते थे, उस वक्त हराम नहीं हुई थी। तो पहला मरहला यह था जिसमें अल्लाह ताला ने आगाह किया कि इसमें गुनाह है, बड़ा गुनाह है। उसके बाद फिर दूसरा मरहला आया, उसमें शराब को नमाज के वक्त पीने से रोक दिया गया, शराब जारी रही मगर नमाज के वक्त मना किया गया। फिर तीसरा मरहला आया, उसमें हराम कर दिया गया मुतलक, उसके बाद से फिर हराम है। तो ये जो पहला मरहला है, पहली मंजिल, इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कुल, आप फरमा दें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फीहिमा इस्मुन कबीरुन, इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। तो कुछ साहबा ने तो इसे सुनकर ही शराब छोड़ दी, यानी कि जब गुनाह है और इसमें कोई बेहतरी नहीं है, तो अगरचे हराम नहीं करार दिया गया मगर छोड़ दो, तो छोड़ दिया, मगर कुछ ने इसको जारी रखा, पीते रहे शराब। इस्मुन कबीरुन, फरमाया बड़ा गुनाह है, वो मुनाफिउ लिन्नासी, और लोगों के लिए कुछ इसमें फायदे भी हैं। अब फायदे क्या हैं? एक फायदा तो यही है कि खरीदो फरोख्त, पैसा मिलता है, जुआ, माल इसमें हाथ आ जाता है। जुए में क्या होता है? यही ना, किसी का माल गया किसी का आया। तो ये एक दिलचस्पी की बात होती है। तो उसको अल्लाह ने फरमाया कि इसमें कुछ दुनिया के मुनाफे हैं जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ लपकते हैं, मगर अकलमंदी क्या है? फरमाया वइस्मुहुमा अकबरू मिन नफ़इहिमा, इनका जो गुनाह है वो इनके फायदे से बड़ा है। तो एक बात बड़ी मालूम हुई इसमें, अहम बात, कि अगर किसी चीज में फायदा हो रहा है मगर गुनाह फायदे से भी बड़ा है, तो फिर फायदे को नहीं देखना चाहिए। क्यों? कि बड़ी चीज जो है वो क्या है? वो गुनाह है। फायदा है मगर फायदे से भी बढ़कर गुनाह है, नुकसान ज्यादा है। तो नुकसान ज्यादा हो फायदे के मुकाबले में, तो फिर बचना चाहिए ना, फिर बचना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया वइस्मुहुमा अकबरू मिन नफ़इहिमा,
इन दोनों का जो गुनाह है, शराब का भी और जुए का भी, वो इन दोनों के फायदे से बड़ा है कि ये जो कुछ वक्त का फायदा मिल जाता है। अब शराब का फायदा क्या मिल गया कि कोई लज्जत आ गई, टेस्ट जिसको कहना चाहिए, मगर अकल जायल करती है ना शराब। उम्मुल खबाइस शराब को कहा गया हदीस में कि बुरी जो चीजें हैं ये उनकी असल है शराब, क्योंकि अकल से बंदा काम करता है। जब अकल ही को एक चीज खत्म कर रही हो तो उससे बहुत सारी फिर बुराइयां नमूदार हो जाएंगी, है ना। यानी सबसे पहले अकल गई, जब अकल गई तो फिर तमीज उड़ जाएगी, तमीज उड़ जाएगी तो फिर नफा और नुकसान का पता नहीं चलेगा, फिर माँ बहन का पता नहीं चलेगा, फिर सवाब और गुनाह का पता नहीं चलेगा, अच्छाई और बुराई का पता नहीं चलेगा। तो फिर एक बुराई से कई बुराइयां पैदा हो जाएंगी। तो शराब जो है उम्मुल खबाइस यानी जड़ हो गई बुराई की, जड़ है ना। वो चाहे देसी शराब हो या विलायती शराब हो, लेकिन अगर वो अकल पर पर्दा डाल देती। खमर का माना होता है ढाक देना, छुपा देना। तो शराब भी छुपाती है किसको, अकल को ढक देती है, अकल को दबा देती है। तो इसको इसीलिए हराम कर दिया गया। तो अल्लाह ने फरमाया वाइस्मुहुमा अकबरु मिन नफईमा। ये जो दुनिया के कुछ फायदे हैं ना इनके अंदर, इनके पीछे ना जाओ, मकसद ये है। फायदों को ना देखो, इनके पैसा आ रहा है ये मत देखो, शराब की खरीदो फरोख्त में पैसा आ रहा है इसे छोड़ दो, जुए में पैसा आ रहा है इसे भी भूल जाओ। ये देखो कि गुनाह आ रहा है वो इनसे बड़ा है, नामे आमाल में इसे छोड़ दो, गुनाह पे गुनाह आ रहा है इसे भी भूल जाओ। वो तुम्हारे इस दुनिया के फायदे से बहुत बड़ा है गुनाह, यानी ज्यादा शदीद है, ज्यादा नुकसान दे, उसका ख्याल करो, उसको ख्याल में लाकर छोड़ दो। शराब ही है तो शराब छोड़ दे, जुआरी है जुआ छोड़ दे, ठीक है ना। तो दीन इस्लाम के अंदर अब कोई गैर मुस्लिम है ना, वो शराब की फिक्र करे ना वो जुए की फिक्र करे, वो उसका मसला है। जब तुमने कलमा पढ़ लिया, कलमे पर ईमान ले आए, अब तुम्हें फिक्र करनी चाहिए अपने ईमान की, दूसरे को छोड़ो। कोई बेईमान है तो ये मत देखो कि नहीं भाई ये तो पीता है ना, पीने दो, वो तो जुआ खेलता है खेलने दो, तुम अपने ईमान की फिक्र करो। तुमसे तुम्हारे ईमान के बारे में पूछा जाएगा ना कि दूसरे के दीन के बारे में, तुम्हारे दीन के बारे में। कब्र में जब बंदा फौत होगा, दफनाया जाएगा, तो जो मुनकर नकीर आएंगे कब्र में, वो तो काफिर के पास भी आएंगे और मुसलमान के पास भी आएंगे। तो जो तीन सवालात करेंगे, उन तीन सवालात में से एक सवाल क्या करेंगे, मां दीनू का, तेरा दीन क्या है, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मां दीनू का, तेरा दीन कौन सा है। और तीसरा सवाल होगा मां कुंता तकूलू फी आज़र रजुली। ये सूरत मुबारका सरकारे दो आलम मग़फ़रे बने आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुझको दिखाई जा रही है, तो इनके बारे में क्या जानता है, ये कौन है। तो ये जो तीन सवालात कब्र में फरिश्ते आकर करेंगे, उन तीन में से एक सवाल तो यही होगा, मां दीनू का, तेरा दीन क्या है। तो हमसे हमारा दीन पूछा जाएगा, तो मुसलमान कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, मैं मोमिन हूं। तो इस्लाम के अंदर जिस चीज को हराम कर दिया गया, मोमिन को उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। जो गैर मुस्लिम है वो पीता रहे शराब, खेलता रहे जुआ, और भी कुछ गंद करता है करता रहे,
लेकिन मुसलमान को देखना चाहिए कि मुझे किन चीजों से रोका गया है, मैं उसके नजदीक ना जाऊं, ठीक है ना। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो ये जो इनके दुनियावी फायदे है ना, ये थोड़े नुकसान के मुकाबले में, गुनाह के मुकाबले में फायदा थोड़ा है। सवाब तो खैर कोई है ही नहीं, फायदा है दुनिया का। अगर कोई शराब बेच रहा है तो उसको धंधा हो रहा है उसका, ये उसको ये फायदा मिल रहा है। मगर शराब ऐसी चीज है कि हदीस पाक में 10 आदमियों पर लानत की गई। वो कौन है 10? शराब पीने वाला, पिलाने वाला, लाने वाला, ले जाने वाला, बेचने वाला, निचोड़ने वाला, इस तरह से करके उन तमाम लोगों को लपेटा गया हदीसे पाक में कि इन सब पर अल्लाह की लानत है। और जहां शराब पी जा रही हो हदीसे पाक में आए, वहां उस वक्त अल्लाह की लानत उतर रही होती है, लानत अल्लाह की तरफ से, माज अल्लाह फिटकार उस वक्त जिस जगह शराब पी जा रही या पिलाई जा रही हो। तो हर वो बंदा जो इसमें इन्वॉल्व होगा किसी तरीके से, सिर्फ पीने वाले नहीं, सुना ना आपने, पिलाने वाला, लाने वाला, अरेंज करने वाला, होता है ना कोई दलाल किस्म के लोग, ब्रोकर फलां फलां मैं ले आऊंगा, है ना। तो वो जो ले आएगा वो भी उसमें लपेटा गया, उस पर भी लाना थे, वो भी मलऊन है, उसको भी सजा होगी, वो भी गुनाहगार है। निचोड़ने वाला यानी जो तैयार कर रहा हो शराब को, उसको भी बीच में रखा गया। तो पता चला कि हुक्म ऐसा है कि इसमें वो तमाम लोग गिरफ्तार हैं जो इसके अंदर मुलव्वस हैं। चुनाचे शराब और जुआ दोनों के बारे में ये बात आई। अब इसमें कुछ चीजें और दाखिल हैं, मसलन दुनिया में नशा सिर्फ शराब का ही नहीं है, अफ्यून भी है, चर्स भी है, हेरोइन भी है, फिर अब तो जदीद किस्म के भी नशे हैं, कोई शीशा पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई हर किस्म के नशे हैं। हुक्म क्या है इस्लाम का कि हर वो नशा जो इस हद तक पहुंच जाए कि अकल को जायल करे वो हराम, चाहे वो चरस से हो रहा हो, चाहे वो हेरोइन से हो रहा हो। हद जो है सजा की वो तो शराब पर है, लेकिन बाकी जो नशे हैं वो जाहिर है कि अच्छे तो नहीं है, वो भी बुरे हैं। जब नशे में आदमी पड़ जाता है, हमारे मुआशरे में आप देखें लोग सड़कों पे पड़े हुए नशे करके, उनको कोई क्या दुनिया का से लेना देना है ना, और फिर उस नशे की वजह से चोरियां भी कर रहे हैं नशा पूरा करने के लिए, है ना। घर के घर तबाह होते हैं इससे, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा नशे में गिरफ्तार हो गया है, इसका इलाज होना है, फला फला होना। तो भाई इस पर नजर रखनी चाहिए ना, औलाद पर, बच्चों पर, कि बच्चे की सोहबत क्या है, दोस्ती किन लोगों से है। हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान अपने दोस्त से पहचाना जाता है, दोस्त से, दोस्ती से पहचाना जाएगा, सोहबत से। तो देखो कि दोस्ती किन से, अगर तुम्हें लग रहा हो कि दोस्ती जो है वो बदमाशों के साथ है, नशेबाजों के साथ है, चोरों के साथ है, डाकुओं के साथ है, तो बचाओ बच्चों को, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखो ना, उनकी नेकों के साथ उनको दोस्त बनाओ, उनके पीछे लगाओ। मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर सूफी बुजुर्ग सूफी शायर गुजरे हैं, वो फरमाते हैं सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत 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 कुनत, फरमाते हैं नेक की सोहबत तुझको नेक बनाई, नेकों के पास बैठ। अगर तू शराबी के पास बैठेगा तो शराबी पिएगा ना, फिर और क्या करेगा,
उसको पीता देखेगा तो तुझे भी लत पड़ जाएगी। जुआरी के पास बैठेगा तो जुए की लत पड़ेगी। हेरोइन जी के पास बैठेगा तो हेरोइन की लत पड़ जाएगी। तो बैठ, मगर किसके पास बैठ? नेक के पास बैठ, परहेजगार के पास बैठ, अल्लाह वाले के पास बैठ, है ना। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनत। फरमाया बुरे की सोहबत तुझको बुरा बनाएगी, बुरे की सोहबत बुरा बनाएगी, जाहिर बात है। तो इंसान को पहले ये ख्याल रखना है कि उसकी औलाद, उसके भाई, अजीज व अकारिब वगैरह जो भी है, वो किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, उस पर ध्यान रखो ताकि इस लत में गिरफ्तार ना हो। तो उलमा ने, फुका ने ये फरमाया कि हर वो नशा जो हद नशा तक पहुंच जाए, कि पता चले कि जनाब अकल उससे जायल हो रही है, तो वो हराम हो जाएगा। अगरचे उस पर हद ना लगे, अब शराबी की हद क्या है? 80 कोड़े। शराब की सजा है कुरान की 80 कोड़े लगाओ इसको। मगर हर नशे की सजा ये तो नहीं है, लेकिन अगर वो नशा ऐसा होगा जो अकल को जाया कर देगा तो हद तो नहीं लगेगी, मगर ताजीर हो सकती है। कोई सजा हाकिम दे दे, काजी दे दे, जज दे दे, कोई और सजा वो दे सकता है उसको। क्यों? कि उससे नशा पैदा हो गया। तो नशे को इसलिए बुरा समझा गया है कि नशे की लानत से छुटकारा पाना है, उसके लिए सबको मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे को आगाह किया जाए, रोका जाए, दोस्त अहबाब को मना किया जाए। अगर किसी को देखो कि वो इस लानत में गिरफ्तार है, इस लत में पड़ा हुआ है, तो उसको बचाओ, ये भी सवाब है, कार्य खैर है। किसी को नेकी का रास्ता दिखाना, बुराई से हटाना, गुनाह से हटाना, ये तो सवाब है ना। फिर नामा आमाल में तुम्हारे, तो सवाब कमाओ। अब मैंने क्या अर्ज किया कि पहला जो हुक्म आया वो ये था, ये सालूना का अलिल खम्र वल मैसर, कि आपसे जो शराब और जुए के बारे में लोग सवाल कर रहे हैं साहबी, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए इनमें तो बड़ा गुनाह है भाई, ठीक है ना। मुनाफिउ लिन्नासी, और कुछ फायदा है, वो तुम्हें नजर आ रहा है ऐसी फायदा, पैसों का, लज्जत का, टेस्ट का, चस्कारा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। वइस्मुहुमा अकबरु मिन नफईहिमा, देखो ये कि ये जो गुनाह है ना, ये तुम्हारे नफे से ज्यादा बड़ा है। तो ये भी पता चल गया कि इंसान को दो चीजों में से कंपेयर करना चाहिए, तकाबुल, कंपैरिजन, तकाबुल ये करना चाहिए कि नफा बड़ा है या नुकसान। गुनाह ज्यादा है तो फिर उससे बचे बंदा। फिर दूसरा हुक्म जो शराब का आया, उसमें सिर्फ ये आया कि नमाज में शराब को छोड़ दो, करीब ना जाओ, यानी कि ला तकरबु सलात व अंतुम सुकारा। दूसरा हुक्म यह आया जब तुम नमाज के, हुआ यह था वाकया कि एक दावत थी और साहबा जमा थे वहां और शराब का दौर चल रहा था उस वक्त। तो जब नमाज का वक्त आया तो इमाम से तिलावत के अंदर गलती हो गई। मुफस्सिरीन ने नाम दिए हैं लेकिन चूंकि उसमें इख्तलाफ है, इसलिए बजाय नाम लेने के किसी साहबी का यूं कहना चाहिए कि जो भी इमाम था उससे गलती हुई। गलती क्या हुई कि कुरान मजीद की एक सूरा है, बड़ी मशहूर सूरा है, सूरतुल काफिरून। قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो ऐ काफिरों, यानी कि मैं उससे नहीं पूछता उन बुतों को जिनको तुम पूछते हो, जिनके तुम परस्तिश करते हो। तो ये जो ला का लफ्ज था ना, नशे की हालत में ला छोड़ दिया उन्होंने, कहा आबुदू मा तअबुदून, मैं पूछता हूं, मैं परस्तिश करता हूं उनकी जिनको तुम परस्तिश करते हो। तो बहुत बड़ा फर्क आ गया माना में, माना ही बदल गया ना। अरबी जबान में तो जेर जबर से भी माना बदल जाता है। अब देखे ना आप, अंता और अंती, अब लफ्ज तो एक ही है, सिर्फ जबर और जेर से फर्क ये पड़ा कि अंता जो है वो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, अंता तू,
तू कौन? मर्द, मर्द की तरफ इशारा है। और अंति औरत, औरत के लिए कहेंगे अंति, अंता नहीं। तो सिर्फ जबर और जेर से माना बदल गया, मीनिंग में फर्क आ गया। अब इन साहबी ने क्या किया कि ला जहां जहां था वो छोड़ दिया और माना बदल गया। तो फिर हुक्म आया कि जब तुम नमाज में हो तो शराब का इस्तेमाल नहीं करना। फिर तीसरा हुक्म आया सूरतुल माईदा में, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बिल्कुल हराम करार दे दिया। अब अगर कोई एक कतरा भी पिएगा तो उस पर हद लग जाएगी। फुका फरमाते एक कतरा शराब का, कि ये नहीं कि बोतल भर के पी ली उसने तभी कोई सजा होगी, नहीं, एक कतरा भी हराम होगा, हराम का कतरा भी हराम है ना। चुनाचे इससे ये मालूम हुआ कि वो खेल जिसमें हम जुए का इतलाक करते हैं, गैम्बलिंग का, वो भी हराम हो गया, उसमें भी नुकसान है। और शराब और हर वो नशा जिससे कि अक्ल जायल हो जाए वो हराम हो जाएगा। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे मुआशरे में जहाँ जहाँ ये लानत फैली हुई है, ठीक है ना, उससे अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि।